जिस तरीके से राजस्थान की इकोनॉमी पे सारी चीज का इमेज पे असर पड़ेगा, उस पर क्या अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे? देखिए पड़ेगा, वो उस समय बात करिए, अभी इस बात पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि तब ये वाक्य हो जाता है, अगला मानता है कि हम FIR नहीं कराएंगे, हम कह रहे हैं हम नहीं कराएंगे, अगर आप कराएंगे तो हमने हमको भी आपने प्रोवोक किया, वो कह रहे हैं कि मैं मेरा बोरिया रजिस्टर लेके मुंबई जा रहा हूँ, आप लोगों से डिस्कस करके फिर आऊंगा, ठीक है? तो फिर कहां देख रहा है क्या आपने या दूसरी पार्टी ने कोई पुलिस को कंप्लेंट फॉर्मल कंप्लेंट दी है अभी तक? पुलिस को कोई फॉर्मल कंप्लेंट दी है आपने या उन्होंने? हम तो कोई अगला करेगा तो कोई प्रोवोक अगले ने करा है, अगर अगला महसूस करता है कि साहब उसके साथ में बहुत ज्यादा दी हुई है, जो प्रयास हो रहे हैं उनको ये समझा देंगे कि साहब बहुत बड़ा संकट आ गया है, जैसे एक क्वेश्चन यही था कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इस तरह के बहुत से संकट राजस्थान में आए थे और चले गए। नहीं है, पुलिस को हमने एविडेंस दे दिया है कि ये दो फायर उस समय हुए जब राजपूत प्रहरी सेना वहां पर मिलने के लिए प्रयासरत थी, उस समय दो फायर हुए हैं, फायर करने वाले व्यक्ति को पहचान नहीं हो पा रही है उस वीडियो में, पर ठीक है वो पुलिस का काम है, उसके लिए कंप्लेंट हमने नहीं। जब संजय लीला मंसाली ये चाहते हैं कि कार्वी जी जस्ट फॉरगेट द मॉर्निंग इंसिडेंट, यू आर रेडी, आई हैव फॉरगेट द मॉर्निंग इंसिडेंट बट आई नॉट फॉरगेट द हिस्ट्री, मैं इतिहास भूलने वाला नहीं हूँ। दुर्भाग्य से हम तीनों इतिहास के विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे राजपूत सभा के इंचार्ज यहाँ पर इलाज सिंह जी बैठे हैं, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, उनकी तरफ से अप्लाई करा जाएगी तो आप भी करेंगे क्या? उनकी तरफ से अगर अप्लाई होती है तो आप भी करेंगे? अभी आगे होता है यार, ये तो ठीक है, उसके लिए वो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, इसके लिए एक बार फिर आप बॉलीवुड फर्टिलिटी का मानना है कि अगर ऐसे चलेगा 45% बॉलीवुड फर्टिलिटी ने आज इसके पक्ष में तो नहीं कह सकते, पर इस मुद्दे को बकायदा संजय लीला भंसाली को समझाने वाली टोन में वहां पर धर्मेंद्र के पुत्र हैं उनके कमेंट्स भी पढ़िएगा, सिर्फ वो कमेंट मत पढ़िए। ये भी कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि जोधा अकबर ने भी इसी तरीके का जोधा अकबर भी रोका था, ये भी रोक देंगे पब्लिसिटी स्टंट किसके लिए, करने से लगे लिए जो ये काम करती नहीं है पब्लिसिटी, हमें मिलकर क्या मिलने वाला है, क्या पब्लिसिटी होने वाली है हमारी? सर आप उदयपुर भी मिलने सॉरी मुंबई भी मिलने गए थे, उसके बाद संजय लीला भंसाली ने आपसे शायद बात बात की होगी उसको? नहीं उस समय करी थी, उस समय दोबारा से मैं नहीं पहुंच पाया था। उसके बाद उदयपुर में जब वो शूटिंग के लिए आए थे तब आपका विरोध था, उन्होंने शूटिंग वहां कैंसिल की, अब तीसरी बार ऐसा करें, क्या आपको लग रहा है कि अब भी वो सुधरेंगे या अभी वही चलेगा, आपको लगता है कि वो शायद नहीं बदलेंगे? आप सुधार सकते हैं मेरे ख्याल से, आप ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर आपके किसी परिवार की स्त्री आपके परिवार की नहीं हो, एक समाज में ये स्त्री का क्या रूप होना चाहिए, और वो भी उस स्त्री का जिसने इतिहास बनाया है, जिसने 16,000 वादियों के साथ में अपनी जान दी है, जिसको जिसको अभिनंदन करने के लिए देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, वो सबके सब जहां पर 200 बार जा चुके हैं, इस बात के लिए, इसी बात के लिए कि रानी पद्मावती ने अपने आप को उस सर्वोच्च त्याग के लिए तैयार किया 16,000 वादियों के साथ में, कि किसी विदेशी आताताई की छाया भी नहीं पड़ने देंगे, उसको अगर प्रीतिका के तौर पर पेश किया चाहते हैं क्या करने चाहते हैं कि वो चिंता रहे या तीन पॉइंट थे बहुत शॉर्ट में कहें, प्रीतिका और रणवीर सिंह के संबंध हो सकते हैं कुछ भी है जैसा भी है, मैं उसके पास तक उसमें कुछ भी नहीं कहना, उसको पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के नाम से इसमें पिक्चराइज नहीं किया जाना चाहिए, भंसाली जी ने एकदम से रिएक्शन करा, नहीं ऐसा नहीं होगा था, बिल्कुल नहीं, ठीक एक पॉइंट मैंने रेस किया आपने उसको, मैं भंसाली जी सपने भी अब हम ज्यादा नहीं देखते हैं, कैसे कैसे कर सपने में भी अगर उसको प्रेमिका के रूप में सपना पिक्चराइज कैसे करेंगे आप, एक टिम 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 में दौड़ जाएगा
और अगले वाले की आंख में जाकर फिर एक पेड़ के पीछे पद्मावती भागी होगी और अलाउद्दीन जी की बात होगा, यही होगा। कैसे पिक्चराइज कर गया? आप ज्यादा जानकार हैं, मैं बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं, पर आप उसको इसी तरह से पिक्चराइज कर जाएगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, अगर पद्मावती को किसी भी तौर पर सपने में भी अगर अलाउद्दीन की प्रेमिका का रूप आप दिखाकर, जो रणवीर सिंह ने कहा, रणवीर सिंह ने कहा है इस विलेन के रोल को प्ले करने में अपनी सहमति जताते समय कि अगर दो अंतरंग दृश्य अगर दीपिका पादुकोण के साथ में अगर दिखाई जाए, अरुण दीपक जो उनको ये एविडेंस दिया, उनके लिए भी एक बार जटता था के साथ ये तो बड़ा एविडेंस है। मैंने कहा ये इसी तरह के एविडेंस है, हमें पता लगता है कि साथ कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा गड़बड़ नहीं है, बता दीजिए उसको, स्पष्टीकरण दे दीजिए कि हमें दो दिन का समय चाहिए इस बात पर। अब सपने में भी उसके लिए दो दिन का समय चाहिए। यहाँ पर शायद इंतजार कर रहे हैं कि सभी सामाजिक संगठनों से एक बार वार्ता हो जाए ताकि आगे का कोई भी कार्यक्रम बिना रुकावट। तीसरा बंधु की जब तक आप इस पर स्पष्ट न हो जाए इसको पिक्चराइजेशन से रोकते बंधु, जिस पर आप अभी न किसी ने पूछ लिया था, वो तो बोली व्यक्ता लेके जा रहे नहीं जा रहे, सामाजिक संगठनों से वार्ता करना चाह रहे। इस पर इनका क्या जवाब था शूटिंग को रोकने के बाद? तीसरा जो मुद्दा है जो आपने उठाया ये उन्होंने मंजूर कर लिया, मतलब उन्होंने शूटिंग रोक दिया? मेरे ख्याल से हम बहुत विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए अच्छा हो कि उनसे पूछ लिया जाए उनका क्या जवाब है। हम तो उसके बाद भी हमारा तो कंफ्यूजन ये भी रहेगा कि पिक्चर बनने के बाद भी अगर सभी सामाजिक संगठन मिलकर अगर कुछ कर लेते हैं और पिक्चर में पता नहीं क्या क्या बना डालते हैं तो उसकी भी शंका खत्म रहेगी। अच्छा वो जवाब जो मेरा जवाब था मैं आपको दे चुका, इससे बात नौ तारीख को कल इतिहास शुद्धिकरण पर एक कार्यक्रम ऑलरेडी यहाँ राजपूत सभा भवन में शेड्यूल है, इसलिए मतलब इस दिन महीना भर से उस पर एक्साइट चल रही है इतिहास के शुद्धिकरण पे। हमने ये कहा था कि हम इतिहास के शुद्धिकरण के समय आपका कोई आदमी और इस तरह का कुछ बहुत स्पष्ट इस बारे में अभी कहा था भी ईमेल एक्सचेंज हो रहे हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं पर गुरुद्वारा जी इस बारे में तो अभी भविष्यवाणी करना आपको लगता है कि आपका विरोध प्रदर्शन करने का तरीका एकदम जायज है या भविष्य में अगर कभी भी कोई समझाने की कोशिश की थी और आपने एक बात भी सारे में मैं आती है, मैं साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब अहिंसा के लिए माहौल ही मैदान न हो, तो कल जो कुछ भी हुआ वो सारा होने का कारण अगर कोई एक मास्टर था तो ये उनकी टीम और उनकी सिक्योरिटी के लोग थे। अब अगर सुनाई नहीं चाहते तो सब सुनाए किसको? हम सब लोग आप सब लोग चाहते हैं कि आपकी वार्ता हुई, आप जाके पूछ के कोर्ट का मैं डेट दूंगा, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से मुलाकात मैं टाइम दूंगा, सेंसर बोर्ड के पास में गया उसकी तारीख है हमारे पास में, इंडियन एक्सप्रेस में रणवीर सिंह का बयान उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास में, आरटीडीसी का माफीनामा सब कुछ है हमारे पास में, तो फिर क्या कम से कम 25 पत्र तो यहां से गए हैं, 25 पत्र ये तो नहीं 25 पत्र, तो फिर क्या तरीका आप जानते हैं? इसीलिए मैंने श्याम जयकर जी को ये भेज दिया, मैंने कहा चांदी से जानते हैं या जूते से, मैंने कहा बम्बई से आई थी बात, बम्बई बात क्या, मैं इस बारे में कमेंट किया। एविडेंस की गोली चली थी दो बजे थी जो
जो आया था सबसे पहले जो वीडियो तो नहीं था ऑडियो टाइप का था उस पर फायरों की आवाज है और हमने उसके एविडेंस वहां पर पेश कर दिए थे पुलिस प्रशासन। सर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया गया फायरिंग हुई तो आपके कंट्रोल किस चीज का मुकदमा दर्ज हुई जो फायरिंग हुई तो जो कुछ भी सुबह हुआ उसको भूल जाएगा आदमी अगर सजय का वंशाली ये कहता है तो मैं भूलने का प्रयास कर रहा हूँ वैसे आप लोग सब न तो भूलने देंगे ऐसा मेरे को पता है पर भूल भी जाए कल वाला इंसिडेंट तो भी इतिहास को भूलने का जो प्रयास हो रहा है ये तो कम से कम नहीं भूल। जब प्रोटेस्ट कर रहे थे बॉलीवुड वाले भी ट्विटर पे उसमें अनुराग कश्यप भी थे उन्होंने ट्विटर पे लिखा है सेम टाइम शेम और ये पढ़नी सेना ही नहीं उसकी नशे पूरी रात और ये बात है जैसे कि हम बात कर रहे हैं।